नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो नई स्कीम लॉन्च की है पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल, उसका बन गया है और ये बहुत ज़्यादा खबर में है अभी और न्यूज़ में चल रही है। ये बहुत अच्छा अवसर है। एक आप पहले इसका नाम पढ़ लीजिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको शुरू किया है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और ये क्या किस तरीके से काम करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये पोर्टल खुलने वाला है आप लोगों के लिए। अभी ये पोर्टल बन चुका है, पार्टनर कंपनीज के लिए ओपन हो गया है। पार्टनर कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद पहले मैं आपको पार्टनर कंपनीज दिखा देता हूँ कि आप लोग जो इंटर्नशिप करने वाले हैं और उस इंटर्नशिप में जो पैसा भी आपको मिलेगा वो किन किन कंपनीज में आप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, एक पीडीएफ मिलने वाली है और ये कंपनीज के नाम हैं। और दोस्तों ये बहुत फेमस कंपनीज हैं, अगर आप बाजार की बात करें, शेयर बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें, वहाँ ये सारी कंपनी लगभग काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश को चलाने वाली, देश की इकोनॉमी को चलाने वाली ये कंपनियां हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से शुरू कर सकते हैं, TCS, HDFC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इन्फोसिस, NTPC। इस तरीके से मैं ये नाम नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं और ये आपको खुश कर देने वाली लिस्ट है। 500 कंपनियां यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। ये टॉप 500 कंपनियां मैं ऐसा मान के चलता हूँ जो कि पूरी कंट्री में हैं, और बहुत ही अच्छी ये कंपनीज हैं दोस्तों। इनके साथ इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिलेगा। हम इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद आ जाते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बटन जो है सर्च का भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये ओपन होने वाला है। और देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। एम आई एलिजिबल पूछ रहे हैं। एलिजिबल हैं अगर आप 21 से 24 साल के हैं तो। 21 से 24 मतलब कि 21, 22, 23, 24, 4 साल के बच्चों के लिए स्पेशली ये है। और एजुकेशन नॉट एनरोल फुल टाइम। जॉब स्टेटस, आप नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, आप कहीं पे काम ना करते हों, ये ज़रूरी है इसके लिए। फैमिली में आपका सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स जो है, कोई भी सदस्य इसमें से 8 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष ना कमाता हो, किसी भी सदस्य की गवर्नमेंट जॉब ना हो, तब जाकर आप जो है इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, 12 मंथ की ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज़ की इंटर्नशिप है। आपको वहाँ पता चलेगा कि कैसे काम किया जाता है, नौकरी कैसे होती है, किस सेक्टर में, किस कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम किया जाता है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनीज़ भी बहुत अच्छे से इस पर काम आपके साथ करेंगी। इसको अच्छे से देखें, मंथली असिस्टेंट आपको मिलेगा। असिस्टेंट्स जो है 4,500 का गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये आपको इंटरेस्ट फीस देगी। तो ये वन टाइम ग्रांट जो लिखा है, 6,000 फॉर इंसिडेंटल्स, और यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज है, ये देख सकते हैं। इंश्योरेंस कवरेज फॉर एवरी इंटर्न अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये कुछ नियमावली थी जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर्स आप देख सकते हैं, आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर देखिए बाकायदा आपको दिखा रहा है ऑयल, गैस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यहाँ पर देखिए अभी आप इसके अंदर जा नहीं सकते हैं, ये आपको यहीं से हिंट करके दिखा रहा है। आप शो मोर करेंगे तो यहाँ पर अंदर जाकर आपको और डीपली पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी किस सेक्टर में क्या काम कर रही है। आप उसकी डिटेल भी जो है यहाँ पर आसानी के साथ ले सकेंगे। हम दोबारा से होम पर चलते हैं। होम पर आ जाने के बाद आपको जो है, और मैं नीचे लेकर चलता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं विकसित भारत की ओर जो कदम है, ऑफर इंटर्नशिप, ये पार्टनर्स हैं जो कि काम करने वाले हैं कनेक्ट करने के लिए। ये पोर्टल के साथ साथ ये चारों ऐप जो सोशल मीडिया भी बनाए गए हैं, आप इसके साथ जो है कनेक्टेड रह सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये कितनी पॉपुलर हो गई है, इससे आप पता कर सकते हैं। अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन इतने ज़्यादा विजिटर्स जो है इसके ऊपर हो चुके हैं। दोस्तों अब जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं। और गाइडलाइंस में आप आओगे तो प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाकर डाली गई है, 10
इसके अंदर पेजेस है। ये पहला लेटर है जो ऑफिस मेमोरेंडम है 30/10/2024 का, 3/10/2024 का है ये। गाइडलाइंस दी गई हैं दोस्तों, इस गाइडलाइंस को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर देख लेते हैं। टॉप कंपनीज में काम होगा, 12 महीने के लिए आपको काम करने मिलेगा बिल्कुल रियल टाइम। इनिशियल एम्बिशियस स्कीम इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर, इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ स्किलिंग, पायलट प्रोजेक्ट है। स्कीम टारगेटेड प्रोवाइडिंग तकरीबन 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई हैं इस वर्ष के लिए। द टॉप कंपनीज फॉर दिस पायलट प्रोजेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस एवरेज ऑफ CSR एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा और हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जो है सेलियंट फीचर ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट ये हम बता चुके हैं, 12 महीने के लिए है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, एज क्राइटेरिया सिर्फ ये हो सकता है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तब आपकी एज इससे इसके मध्य अगर होगी तो आप ये कर सकते हैं। एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए फुल टाइम, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एंगेज, कहीं फुल टाइम पढ़ाई में एंगेज नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल है। एजुकेशन क्या है इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि उसमें कुछ अलग नियम कानून है। जो पास किया हुआ हो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी मतलब कि 10वीं 12वीं, पोजिस सर्टिफिकेट अगर YTI का सर्टिफिकेट रखता हो, डिप्लोमा रखता हो अपने पास पॉलिटेक्निक का, ग्रेजुएट हो वो कहाँ से, BA BSc BCOM BCA BBA बी फार्मा के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा द फॉलोइंग पर्सन आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट, कौन इनएलिजिबल है जो नहीं कर सकता, जो IIT से ग्रेजुएट किया हो, IIM से ग्रेजुएट किया हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हो, IISER NIDs IIITs जो है, और यहाँ पर दोस्त हैव क्वालिफिकेशन सच एज CA CMA CS MBBS BDS। दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो एक पढ़ाई को हम ज़्यादा बाइफ्रिकेट नहीं कर सकते हैं, उसको दर्जे में भी नहीं बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सेंस लग रहा है कि ये उस लेवल की पढ़ाइयाँ नहीं हैं जिसका कॉम्पिटिशन ये नीचे वाली पढ़ाइयाँ देती हैं। तो इन लोगों के लिए एक अच्छा मौका देने के लिए गवर्नमेंट ने विशेषकर इन पर फोकस करने के लिए ये स्कीम जो है शुरू की है, और आप लोग भी बड़े ही अच्छे से हौसले के साथ इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका कंपटीशन इन कोर्सेज के बीच ही जो है रहने वाला है। और हम नीचे आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है आपके परिवार की आय 8 लाख से ज़्यादा पिछले वित्त वर्ष में नहीं होनी चाहिए, कोई भी परिवार में परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, फैमिली मीन्स 3 लोगों के बारे में बताया गया है, सेल्फ, पेरेंट और स्पाउस। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं, पार्टनर कंपनीज टू पार्टिसिपेट जो क्राइटेरिया है वो 500 कंपनीज हैं, 500 कंपनीज आपको बता दी गई हैं। सपोर्ट और बेनिफिट क्या है, मंथली असिस्टेंट टू द इंटर्न, मंथली असिस्टेंट जो है 5000 विल बी पेड टू द इंटर्न फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, 12 महीने के लिए आपको 5000 प्रति महीने यहाँ देने वाले हैं। एवरी मंथ द कंपनी बेस्ड ऑन द अटेंडेंस रिलेटेड कंपनी पॉलिसीज रिगार्डिंग गुड कंडक्ट एसेट्रा विल रिलीज 500 टू ईच इंटर्न फ्रॉम द कंपनीज CSR फंड। तो दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके काम के ऊपर ये तय किया जाएगा और इतना इतना पैसा आपको दिया जाएगा इस फंड से। वंस द कंपनी मेक्स द पेमेंट द गवर्नमेंट विल पे, जैसे ही कंपनी पे कर देगी गवर्नमेंट बचा हुआ जो उसके साइड से है वो पे करने वाली है। इंसिडेंटल के लिए ये ग्रांट दे रखा है, ट्रेनिंग की कॉस्ट के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बताया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये पोर्टल का नाम है, स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, यही पोर्टल है www.pminternship.mca.gov.in, इस मिनिस्ट्री ने जो है इसको बनाया है दोस्तों। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का प्रोसेस कैंडिडेट के लिए किस तरीके से रहेगा ये यहाँ पर बताया हुआ है, और शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन किस तरह से रहेगा ये यहाँ पर बताया हुआ है, आप इसको जो है वेबसाइट पर जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी हम आपको नीचे लेकर चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क किस तरह से रहेगा, कैसे काम करेगा, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होगा, प्रोजेक्ट किस प्रकार से काम करने वाला है, ये यहाँ पर सारे मिनिस्ट्रीज़ को ये फाइल्स वगैरह भेज दी गई है, ये एनेक्चर लगा हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों इसमें कहीं पर शायद यहाँ अंदर मेंशन नहीं है, अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो हम उसको बाहर ढूंढ लेंगे। इसमें एनरोल करने का एक निश्चित समय है, उसके बीच में ही आपको एनरोल करना है, और यहाँ भी कहीं पे लिखा आ रहा था, मैंने जब इवनिंग में देखा था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप एनरोल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है इस शायद इस सेशन के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है सिमिलर अपॉर्चुनिटी शायद दी जाएगी अगले साल में। लेकिन क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा मायने रख रही है दोस्तों, तो उसका ध्यान रखा जाए, और उसको ध्यान रखने के साथ साथ
आप जो है देखिए यहाँ पर यूज़र मैनुअल जारी कर दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक 33 पेज का यूज़र मैनुअल जारी कर दिया गया है। और ये क्या करने वाला है, ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहा है। देखिए लॉगिन से लेके नेविगेट से लेके कंपनी का क्या प्रोसेस, किस तरह से कंपनी काम करेगी, आपको यहाँ पर देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये लॉगिन प्रोसेस टैब, पूरा आईडी पासवर्ड कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपको दे रखी हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा आपको आइडिया बताया गया है ये कैसे काम करने वाला है। और दोस्तों क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित समय के लिए है, पर्टिकुलर टाइम पर ये काम करेगी, तो आप इसका ध्यान रखें और आपको जो है इसको समय समय पर आकर देखते रहना है। मुझे भी अगर इसका कह सकते हैं डेट का पता चल जाता है तो मैं आपको जो हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डेट्स के बारे में लिख दूंगा कि ये कब शुरू होगा और ये कब जो है यहाँ से बंद होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये जो लॉगिन पेज बना हुआ है, ये लॉगिन करने के लिए मुझे भी जैसे दोस्तों उसके बारे में पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इस पोर्टल के बारे में समझ आया होगा। जैसे ही लॉगिन होकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।